कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश में नौकरियों की प्रक्रिया में भी विराम लगा हुआ था। अब अनलॉक होने के बाद हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने बंपर नौकरियां निकाली हैं, जिससे प्रदेश के सैकड़ों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने विभिन्न सरकारी विभागों में कनिष्ठ कार्यालय सहायक समेत 1860 विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है और उम्मीदवार 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए निशुल्क आवेदन का प्रावधान सरकार ने कर रखा है। पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि आयोग ने 42 विभिन्न पोस्ट कोड के तहत 1600 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं, जबकि अकेले कनिष्ठ कार्यालय सहायक के ही 1160 पद भरे जाने हैं। इसके अलावा 42 विभिन्न पोस्ट कोड में हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड धर्मशाला में जेई इलेक्ट्रिकल के 156 पद, बिजली बोर्ड में जेई सिविल के 39 पद, तकनीकी शिक्षा वोकेशनल और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुंदर नगर में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के 3 पद, कृषि विभाग में कनिष्ठ अभियंता सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, प्रदेश पंचायती राज विभाग, उद्योग विभाग, जल शक्ति विभाग, आबकारी एवं कराधान विभाग समेत अन्य विभागों में विभिन्न श्रेणियों के सैकड़ों पद भरे जाएंगे। इसमें अभी जो ये एडवर्टाइजमेंट हुई है, इसमें 42 पोस्ट कोड है अलग अलग विभागों के। इसमें जो है इसका 26 सितंबर से इसकी ओपनिंग डेट हो चुकी है शुरू, और इसकी जो आवेदन पत्र ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 25 अक्टूबर तक आमंत्रित किए गए हैं। जो भी पर्सन एलिजिबल है वो इसको समयबद्ध तरीके से भर लें, और इसमें सबसे ज़्यादा जो भर्तियां हैं वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पद की है, जो कि 1150 के आसपास अभी एडवर्टाइज हुई है, और कुछ इसमें और भी अभी 31 दिसंबर तक इसमें एडवर्टाइजमेंट में ही क्लोज डाला है कि अगर कोई और भी इस तरीके की पोस्टें आएंगी तो वो इसी एडवर्टाइजमेंट में जुड़ जाएगी। फीमेल एप्लीकेंट है वो सरकार द्वारा उनको एग्जामिनेशन फीस से एग्जाम्प्ट किया गया है, और इसी तरीके से हमारी पिछली 2-3 एडवर्टीजमेंट्स उसके अनुसार ही जारी हुई है, जिसमें कि उनको कोई भी एप्लीकेशन फी पे नहीं करनी होती है। जितेंद्र कंवर ने बताया कि कोरोना पीड़ित भी 9 मरीजों की परीक्षा निर्धारित तिथि को ही करवाई है, और ऐसे मरीजों के लिए अलग से जिला प्रशासन की मदद से परीक्षा ली जा रही है। उन्होंने बताया कि गत 4 मार्च को स्टाफ नर्स की परीक्षा में 9 कोविड-19 मरीजों की परीक्षाएं ली हैं, जिसमें कोरोना बीमारी से एहतियात बरतकर परीक्षा ली गई है। इसमें जितना भी हमारा जो प्रोसीजर है वो गवर्नमेंट से अप्रूव करवाया जा चुका है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की कोरोना गाइडलाइंस को किस तरीके से हम एग्जामिनेशन सेंटर्स में फॉलो करवाएंगे, तो हमारा इसमें जिला प्रशासन जो है उनसे भी इसमें मदद ली जाती है, और जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स आते हैं उनकी एप्लीकेशन जो आयोग को एप्लीकेशन देता है उसका जो है मैटर जिला प्रशासन के साथ उठाया जाता है, और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से उनके लिए अलग से सेंटर क्रिएट करवाया जाता है, और वहां पर जिला प्रशासन की मदद से ही उनका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। अभी हाल ही में 4 तारीख को जब स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम था तो उस समय 9 इस तरह की एप्लीकेशन आई थी, जिनका एग्ज़ाम 5 जिलों की मदद से किया जा चुका है, जिसमें कि एक डीसी सोलन, डीसी शिमला, डीसी ऊना, डीसी मंडी और डीसी कुल्लू के प्रशासन के द्वारा जो है उनकी मदद से ये एग्जाम उनका कंडक्ट करवाया जा चुका है। जितेंद्र कंवर ने बताया कि कोरोना बीमारी की वजह से 2 से 3 बार पोस्ट कोड की परीक्षाएं स्थगित होती रही हैं, और अब आयोग ने 2 मई के बाद अब 10 परीक्षाएं हो चुकी हैं और आगामी 10 नवम्बर तक बाकी परीक्षाएं भी ली जाएंगी। उन्होंने बताया कि मार्च और जून में परीक्षाओं का शेड्यूल भी आगामी माह में जल्द ही किया जाएगा, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। तो कुल मिला के जो है इन तीनों एडवर्टाइजमेंट्स में 70 पोस्ट कोड एडवर्टाइजमेंट हुए थे, और 70 पोस्ट कोडों में से जो दिसंबर में एडवर्टाइजमेंट हुई थी उसमें से 2 पहले ही कंक्लूड किए जा चुके हैं, और 23 पोस्ट कोड जो है उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें से कि 10 एग्जाम हो भी चुके हैं और बाकी जो 13 एग्जाम है वो 8 नवंबर तक कर दिए जाएंगे। उसके उपरांत 3-4 बारी जो है आयोग को जो है पिछले शेड्यूल जो जारी किए गए थे उसको पोस्टपोन भी करना पड़ा, जिसके मुख्य कारण
पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ना खुलना था और उसके बाद कुछ अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में EWS वर्सेस BPL के मुद्दे पे याचिका दायर की थी, जिसमें कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जिसमें उन्होंने इंटरिम स्टे उसमें लगाया था उसकी वजह से भी पोस्टपोन करना पड़ा था। जो भी एडवर्टीजमेंट मार्च और जून में हुई है उसका शेड्यूल 10-15 दिन के अंदर अंदर जारी कर दिया जाएगा और 8 नवंबर तक का शेड्यूल पहले ही जारी हो चुका है, उसके उपरांत उसके एग्ज़ाम भी कर दिए जाएंगे।